हेलो टू ऑल, आज की वीडियो में हम लोग BRC के स्किल टेस्ट के बारे में जानेंगे, जो कि प्लांट ऑपरेटर और लैब असिस्टेंट के लिए है। दोनों के लिए कॉमन है, दोनों का जो प्रैक्टिकल होता है वो एक ही तरह का होता है। तो इस स्किल टेस्ट वाले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, क्या टाइम पीरियड है, किस तरह के मतलब क्वेश्चन हैं उसमें, किस तरह से लिखना है, सारी बातें पे बात करेंगे। तो अगर स्किल टेस्ट की बात की जाए BRC की, चाहे किसी भी NFC और या फिर आपने अगर NPCIL का एग्ज़ाम दिया हो, NFC का एग्ज़ाम दिया हो, या फिर BRC का अगर दिया ही है आपने, IGCAR का भी, तो उसमें जो स्किल टेस्ट का पैटर्न है वो यही है। आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा, टोटल ड्यूरेशन जो होगा 3 घंटे का होगा, जिसमें आपको क्लास 11th और क्लास 12th जो है, ये जो दो क्लास हैं, इनके जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो स्कूल में कराए जाते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल हैं, उनको आपको परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि फिज़िक्स का एक प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा, जितने भी 11th और 12th के जितने भी लिस्ट हैं प्रैक्टिकल के, उसमें से एक फिज़िक्स का, कोई भी एक फिज़िक्स का प्रैक्टिकल रह सकता है। और केमिस्ट्री में जो भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा 11th 12th क्लास में, उसमें से कोई एक प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा परफॉर्म करने के लिए। इसके लिए जो टाइम पीरियड है, फिजिक्स के लिए 1.5 घंटा मिलेगा आपको और केमिस्ट्री के लिए 1.5 घंटा मिलेगा। कोई भी आपको रैंडम वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, मतलब चूज करने वाली एक स्लिप रहेगी जिस पे नंबरिंग लिखा रहता है, जो आप पिक करेंगे उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं। तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल आपको मिल सकता है पहले, तो आप फिजिक्स का परफॉर्म करेंगे, फिर 1.5 घंटे बाद केमिस्ट्री का परफॉर्म करेगा, केमिस्ट्री मिल गया तो केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का, ये प्रोसेस है। तो जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स का प्रैक्टिकल मिला, तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आपको क्या है ना कि वो इंस्ट्रूमेंट दे देंगे जिससे आपको प्रैक्टिकल करना है, तो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया रहेगा, टेबल जो बेंच होती हैं, इंस्ट्रूमेंट बेंच वो लगी रहती हैं पहले से, और वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट रखा रहेगा, आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा उस टेबल पर जो होता है, नंबरिंग की हुई रहती है, वो नंबर पर आपको जाना होता है, आपको अपने टेबल पर जाना होता है और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो भी रखा है उसको देख के और क्या निकालना है, वहाँ पे एम जो है एक कॉपी दी रहेगी आपको, और उस कॉपी पे ना एम लिखा रहता है कि एम क्या है। मतलब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल है और आपको स्क्रू गेज मिल गया, स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज में क्या करना रहता है कि एम लिखा रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ, कॉपी में ही लिखा रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज फाइंड द वैल्यूम, कह लीजिए वैल्यूम ऑफ गिवन स्फेरिकल बॉल। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि एक छोटी सी सर्कुलर बॉल है, गोली आपने खेला होगा बचपन में, तो वो वाली गोली होती है, मान लीजिए स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है और आपको पूछ लिया जाएगा कि उसका वैल्यूम बताइए विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज से हम लोग पहले उसका डायमीटर मेजर कर लेंगे, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे, और उसके बाद जो वैल्यूम का फार्मूला है, ये वाले फार्मूले की मदद से हम लोग उसका वैल्यूम निकाल लेंगे। तो ये आपके कॉपी दी है, आपके पास स्क्रू गेज है, आपके पास गोली है, स्फेरिकल बॉल है, उसके मदद से आपको डायमीटर मेजर करना है, उसके बाद से आपको इस फार्मूले का, तो स्क्रू गेज जो है इसको आप माइक्रोमीटर भी कहते हैं, यूजुअली आपको इसके नाम से मिल जाएगा, स्क्रू गेज के नाम से। तो उसमें अब मैंने बताया कि एम दिया रहेगा, डायमीटर आप निकालेंगे, डायमीटर के मदद से फिर वैल्यूम निकालेंगे, ये प्रोसीजर। तो आपको करना क्या है ना कि कॉपी जो मिलती है, आप इसके प्रोसेस समझ लीजिए, फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल मिला, तो मान लीजिए आपको कॉपी मिली, तो पहले पेज पर मान लीजिए एम लिखा रहेगा और थ्योरी, मान लीजिए अगर कुछ है तो थ्योरी रहेगा, उसके बाद से ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा, ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद अगले पेज पे, मान लीजिए अगले पेज पे चलते हैं, कैलकुलेशन रहेगा, और कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट रहेगा। ऐसे पहले से रिटेन उस पर रहती है, कॉपी पे पहले से लिखा रहेगा ऐसे, तो आपको एम की जगह पर एम लिख देना है, थ्योरी की जगह पर थ्योरी लिख देना है। ये एम जो है ना एक चीट ऐसे बनी रहेगी, उस पर दिया रहेगा आपको कि ये करना है आपको, तो वो एम वहाँ पे, यहाँ पे आप हुआ लिख देंगे,
थ्योरी जो अगर उसमें है, जो भी उसमें थ्योरी उससे रिलेटेड टॉपिक्स है, तो वो थ्योरी लिखेंगे, फिर उसका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, टेबल कौन सी वैल्यू कैसे ले रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनाते हैं हम लोग, कम से कम 5 वैल्यू को बनाते हैं, नहीं तो मिनिमम 3 का बना सकते हैं सीरियल नंबर। ऐसे आप टेबल बना लेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल, उसमें जो भी वैल्यू आ रही है वहाँ पर लिख देंगे। फिर जो कैलकुलेशन है उससे रिलेटेड, जैसे स्क्रू गेज हम लोग कर रहे थे, उसका डायमीटर हमने निकाला, फिर उसका वैल्यू निकालना था हमें, तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप इसमें लिखेंगे। जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जैसे वैल्यू पूछा था, तो वैल्यू इज इक्वल टू इतना आया, 23 सेंटीमीटर क्यूब डायमीटर क्यूब आया, तो आप फाइनल रिजल्ट को इसमें लिख देंगे। इस तरह से सिंपल कॉपी आपको मिलेगा, एम आपको दिया रहेगा, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, कैलकुलेशन आपको निकालना है, और फिर रिजल्ट के साथ आपको लिख, ये 1.5 घंटे में आपको काम परफॉर्म करके और लिखना है, 1.5 घंटे में ही दोनों काम करने हैं। उसी तरह केमिस्ट्री का मिलेगा, उसमें भी एम, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड और थ्योरी, उसमें अगर ऑब्जर्वेशन टेबल है तो ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन उसमें भी होता है तो उसमें भी कैलकुलेशन, फिर रिजल्ट। प्रिकॉशन वगैरह नहीं लिखना होता है, मतलब कॉलम ही नहीं रहेगा उसमें, जो कॉलम रहेगा वो लिखना है आपको, तो अगर प्रिकॉशन रहेगा तो प्रिकॉशन भी लिख देंगे। तो इस तरह से केमिस्ट्री का भी अगर ऐसा ही है, तो इसी तरह से कॉपी रहेगी, आपको पर्चे पर लिखा मिलेगा कि ये करना है, उस टेबल पर आप जाएंगे, उस नंबर वाले टेबल पे वो परफॉर्म करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी आपको मिला थ्योरी और कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन टेबल, सबको उसमें लिखना है कॉपी में और सबमिट करना है। तो यहाँ पे जो स्किल टेस्ट जो पूछे गए हैं पिछले साल जो पूछे गए हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स से रिलेटेड कौन से फिजिक्स आपको मतलब पढ़ के ही जाने हैं, मतलब कि बिल्कुल आएंगे ही आएंगे ये मान के चलिए। तो ऐसे आप टॉपिक नोट कर लेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो आप यही है, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा भी मैंने बताया स्क्रू गेज, जिसको हम लोग माइक्रोमीटर कहते हैं, माइक्रोमीटर। तीसरा है फोर्स आपको निकालना होता है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ला। चौथा मान लीजिए आपको कभी कभी डेंसिटी निकालनी पड़ती है, डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड, एक लिक्विड दिया रहेगा उसका आपको डेंसिटी निकालना रहेगा। पांचवा आपसे पूछा जा सकता है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज की मदद से आपसे वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवा सकते हैं अननोन का, अननोन वायर का, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकलवा सकते हैं। इसी तरह पोटेंशियोमीटर भी होता है, मिलता जुलता है ये दोनों, तो पोटेंशियोमीटर जो है इसमें भी क्या है, रेजिस्टिविटी निकलवा लेते हैं या कंडक्टिविटी निकलवा लेते हैं वो लोग। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ करवा लेते हैं। और एक दो और टॉपिक हैं, डेंसिटी मीटर बेस, फिजिकल बैलेंस एक टॉपिक है जो कि पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार था फिजिकल बैलेंस वाला, फिजिकल बैलेंस। तो ये जो टॉपिक हैं, मतलब ये तो आप मान के चल के बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, 100% चांस है इसके कि ये एग्ज़ाम में आना ही आना है, तो आपके अगर चांस आपका लक अगर काम किया तो ये में से मिल सकता है आपको करने के लिए, और सबसे आसान प्रैक्टिकल नहीं, ये भी आसान है, फिजिकल बैलेंस भी आसान है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में क्या है, आपको थोड़ा कनेक्शन ध्यान देना पड़ता है, जब आप प्रैक्टिकल की अपनी किताब देखेंगे तो उसमें कनेक्शन दिए होते हैं कैसे किसको जोड़ना है, तो वोल्ट मीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर, अननोन रेजिस्टेंस, ये इनको कैसे कनेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपने कनेक्शन समझ लिया तो फिर जॉकी की मदद से आपको नल पॉइंट ढूंढना होता है, और उसकी मदद से आप फिर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इजीली निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के बाद लेंथ आपको पता ही है, एरिया पता ही है, एरिया बताया रहेगा, लेंथ आप 1 मीटर रहेगा तो 1 मीटर रख देंगे, और रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो वहाँ से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इस वाले फार्मूले से आजकल टू रो एल बाई ए से, तो यहाँ से रो हम निकाल लेंगे ईजिली। और ये जो डेंसिटी है गिवन लिक्विड का, कोई लिक्विड दिया रहेगा उसका डेंसिटी दिया रहता है, डेंसिटी निकालना है, तो इसका सिंपल सा फंडा होता है कि मान लीजिए कि छोटी सी डिब्बी दी रहती है आपको और कोई लिक्विड दिया है, तो ये डिब्बी का हमें वैल्यूम पता होता है कि ठीक है इसका वैल्यूम इतना है, इसमें क्या करें कि लिक्विड को पोर कर दीजिए, और एक वेटिंग मशीन होगी वहाँ पर, एक वेटिंग मशीन है ये, तो वेटिंग मशीन पे इस डब्बे को रख दीजिए पहले, खाली डब्बे को, तो इसका वेट पता चल जाएगा, फिर इसमें लिक्विड भर के इसमें फिर वेट कर लीजिए,
और इस खाली डब्बे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो लिक्विड का वेट पता चल जाएगा। हमने लिक्विड का वेट पता कर लिया और वैल्यूम हमें पता ही है। इस डब्बे का वैल्यूम यूजुअली वो दे देते हैं, मान लीजिए 1 cm³ है ये वैल्यूम। तो वेट पता है और वैल्यूम पता है, तो अब डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपन वॉल्यूम, ये था ना। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप डेंसिटी निकाल लेंगे इजीली। तो ये भी सबसे मतलब आसान प्रैक्टिकल्स हैं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, डेंसिटी। इसमें आप वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में क्या है ना, एरर, जीरो एरर है कि नहीं है उसमें वो ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि जीरो एरर वाले वो सवाल देते हैं, मतलब कि उसमें जीरो एरर नहीं रहेगा, उसमें जीरो तो ये तो पॉजिटिव एरर रहेगा या निगेटिव एरर रहेगा, वो आपको रोटेशन से पता चलता है कि जीरो एरर है कि नहीं है। तो वो एरर आप पहले निकाल लेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो आप इसके एरर पर पढ़ लेंगे। ये जो टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड, स्किल टेस्ट के लिए आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ पाएँ इन दिनों में तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिकल हैं एग्ज़ाम में, जैसा कि ऑप्टिक्स वाले कुछ हैं जिसमें हम लोग फोकल लेंथ निकालना होता है, वो जो है थोड़ा लेंदी है, तो 1.5 घंटे में होना मुश्किल है, इसलिए वो यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फिर भी आप एक बार उसको देख के जाएं, मतलब ऑप्टिकल बेंच होते हैं, उस पर लेंस लगे होते हैं और उसके मदद से हमें निकालना होता है, तो वो थोड़ा कठिन काम है, इसलिए 1.5 घंटे के बीच में वो देंगे नहीं उसको करने के लिए। हाँ, पोटेंशियोमीटर, मीटर पिछली बार पोटेंशियोमीटर दिया गया था करने के लिए, फिजिकल बैलेंस भी था, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये चारों थे। पैरेललोग्राम ला पिछली बार नहीं था, डेंसिटी भी नहीं था। इससे पिछली वाले जो एग्ज़ाम हुए थे 2018-19 वाले, उसमें डेंसिटी वाले और फोर्स ऑफ पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन थे। तो आप ये करके जाएंगे सही तरीके से, और प्रोसेस मैंने बता ही दिया लिखना कैसे है। पहले आपको एम लिखना है, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल है, फिर कैलकुलेशन है, फिर रिजल्ट है। प्रिकॉशन विकॉशन आता नहीं है तो वो छोड़ देंगे। तो ये आपको पैटर्न याद रखना है कि कैसे लिखना है। तो 1.5 घंटे में जब आप फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको केमिस्ट्री पे जाना है। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो देख लेते हैं क्या है। केमिस्ट्री में ना दो ही चीज़ें हैं ब्रॉडली अगर देखें तो, दो चीज़ें, एक होता है साल्ट एनालिसिस और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये दो चीज़ हैं जो कि पूछे जाते हैं, या तो आपको साल्ट एनालिसिस करना है या तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना है, इसके अलावा कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री में आता नहीं है। साल्ट एनालिसिस में क्या है ना, आपको एक साल्ट दिया रहेगा, साल्ट इज गिवन, साल्ट जो है दिया रहेगा, मान लीजिए गिवन है, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कैटायन क्या है और एनायन क्या है। ये आपको पहचानना होता है कि साल्ट दिया है, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड दे दिया, अच्छा देते नहीं है, ये सबसे आसान साल्ट है। तो अगर साल्ट दिया है सोडियम क्लोराइड और आपको इसको पहचानना है, यानी कि कैटायन पहचानना है, मतलब सोडियम प्लस आयन पहचानना है, एनायन पहचानना मतलब सी एन माइनस पहचानना है। ये जब आप अलग अलग निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये साल्ट है, तो साल्ट पता चल जाएगा कि ठीक है ये साल्ट। तो ये साल्ट एनालिसिस में साल्ट को पहचानना, साल्ट एनालिसिस कहलाता है, उसकी एनालिसिस करना साल्ट की, साल्ट एनालिसिस कहलाता है। तो ये साल्ट हो गया, गिवन हो गया, ऐसा है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या है ना, कि आपको कोई सोल्यूशन दिया रहेगा जिसकी आपको नॉर्मलिटी या मोलरिटी, नॉर्मलिटी या मोलरिटी, ये गिवन होता है एक सोल्यूशन का। एक और अननोन सोल्यूशन होगा आपके पास, अननोन सोल्यूशन होगा, और इसकी वो नॉर्मलिटी या मोलरिटी आपसे पूछेंगे। तो इसका बेसिक फंडा यही है, N1V1=N2V2 या A1M1V1=A2M2V2। अगर नॉर्मलिटी पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला है, और मोलरिटी पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला लगा के हम लोग कैलकुलेशन पार्ट है। हम लोग जैसे कि नॉर्मलिटी दिया हुआ है आपको एक का, एक सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N1 दिया है, V1 एंड पॉइंट जब कब आ रहा है, कितने वैल्यूम यूज करके, वो हो गया V1। अननोन सॉल्यूशन में कितना डालना है उससे पता चल जाएगा हमको V2। तो जब तीन वैल्यू पता रह जाएगी तो हम N2 उसके मदद से निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, कि कोई सॉल्यूशन दिया है जिसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी पहले से गिवन है एक का, एक और दो सॉल्यूशन रहेंगे, तो एक सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी गिवन है या मोलरिटी गिवन है, कुछ भी नॉर्मलिटी या मोलरिटी,
में से कुछ एक दिया रहेगा, और अननोन जो सोल्यूशन है उसका आपको नॉर्मेलिटी, अगर नॉर्मेलिटी देता नॉर्मेलिटी, मोनोटी देता मोनोटी, या फिर एक्सचेंज भी वो कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी देकर मोनोटी पूछ लेते हैं। फार्मूला आपको पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी मोनोटी में क्या रिलेशन है, तो नॉर्मेलिटी आप निकाल लेंगे वहाँ से। इनके जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, साल्ट एनालिसिस के और वोलूमेट्रिक एनालिसिस के, मतलब इसमें से कोई एक आएगा जिसमें आपको परफॉर्म करना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि साल्ट एनालिसिस में आपको दिया है मान लीजिए कि आपको एम दिया रहेगा कि फाइंड द साल्ट, मतलब साल्ट को आपको पहचानना है कि कौन सा साल्ट है, तो एम दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, हम लोग करते हैं प्राइमरी टेस्ट फॉर एनायन, और इसके बाद इसका करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। प्राइमरी टेस्ट का मतलब है कि पहला टेस्ट जैसे पता चल जाए कि अच्छा ये हो सकता है, जैसे प्राइमरी टेस्ट में कई बार क्या होता है ना कि पहचानने के लिए हम लोग कलर का यूज़ करते हैं, कोई साल्ट दिया हुआ है नीला कलर का दिख रहा है तो पहले ही आपका अंदाज़ा लगा कि हो सके कापर सल्फेट हो, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ कलर से ये पता चलेगा। तो प्राइमरी टेस्ट जो है एनायन का वो आप करेंगे, मान लीजिए कलर है तो कलर से भी पहचान सकते हैं, तो नॉर्मली डाइल्यूट स्केल से डीप करके उसके फ्यूम देख के ये वगैरह वगैरह टेस्ट है जिससे आपको एनायन पहचानते हैं। फिर उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, सेम कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एनायन। प्राइमरी टेस्ट हो गया क्या एनायन का, कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे आप एनायन का। जब एनायन आपका कन्फर्म हो जाएगा तो फिर करेंगे प्राइमरी टेस्ट फॉर कैटायन। और फिर उसका कर रहे हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कैटायन। हो गया ये प्राइमरी टेस्ट हो गया और कन्फर्मेटरी भी हो गया, कैटायन का और एनायन का दोनों का हो गया, तो हमें पता चल गया कि ठीक है एनायन में हमें कुछ मिला है, कैटायन में हमें कुछ मिला है, ठीक है हमने दोनों को मिला दिया। तो साल्ट जो है रिजल्ट में हम लिखेंगे, रिजल्ट जो आया कि तो गिवन साल्ट जो है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। मोबाइल तो छूट गया। तो इस तरह से केमिस्ट्री का प्रोसेस है, अगर साल्ट एनालिसिस आया तो एम दिया रहेगा, आपको प्राइमरी टेस्ट करना होता है एनायन का, फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट करना होता है एनायन का, फिर आप कैटायन का टेस्ट करेंगे, फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट कैटायन का करेंगे। इनके कैटायन और एनायन में एक में 7 ग्रुप है, एक में शायद 3 ग्रुप है, 0 ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ऐसे करके 7 ग्रुप हैं, मतलब टोटल 8 होंगे। उनको आपको देख के जाना है, जो शुरुआत के जो 0, 1, 2, 3 वाले हैं उनको सही से देख लीजिएगा कि कैसे करेंगे उसका टेस्ट, कुछ तरह कैटायन का देख लेंगे। तो जैसे कि साल्ट जो है ना कुछ भी दिया जा सकता है आपको वहाँ पे, इट्स टोटली डिपेंड अपन योर लक। सो अब इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता कि कौन सा पढ़ के आप जाएँ, जैसे मान लीजिए ये साल्ट दिया है तो ये जनरली जो होता है ना ये 0 ग्रुप का होता है, ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है, ये जो कैटायन है ये 0 ग्रुप का है, ऐसे ही ना फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का जो साल्ट हैं वो हैं लिस्टेड हैं। तो आप कम से कम कोशिश करें कि आप 3 ग्रुप तक जो कैटायंस दिए हैं, जो भी कैटायन लिस्टेड हैं, उनका पढ़ के जाएँ कि इसका प्राइमरी टेस्ट क्या है, उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है। उसी तरह आप एनायन के लिए भी देख लेंगे कि एनायन के लिए क्या करना है, उन एनायन के लिए 3 ग्रुप हैं तो आप तीनों ग्रुप देख लें उसके, इसमें तो शायद 7 तक ग्रुप है, 6 या 7 तक ग्रुप है, तो इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट है, तो अब टॉप के जो ऊपर के 3 हैं कम से कम या 4 हैं उनको देख लें कि इसके कैटायन कौन से हैं और इनका कन्फर्म प्राइमरी टेस्ट क्या है और इनका कन्फर्मेटरी टेस्ट। कई कई का आप देखेंगे कि कॉमन मिलेगा तो आपको चीज़ों को याद करने में आसानी होगी, अब उस पर वीडियो बनाएं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप ऐसे किसी भी साल के लिए, मतलब मैं बता देता हूँ, 0 ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, इसके जो कैटायन है उनका प्राइमरी टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट पढ़ लीजिए, और जो एनायन है उसमें 3 ही ग्रुप होते हैं तो ये तीनों पढ़ लीजिए, उनका प्राइमरी टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि साल्ट कुछ भी दिया जा सकता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने अमोनियम क्लोराइड लिखा है, मान लीजिए नाइट्रेट ही दे दिया वहाँ पे, हाँ तो कुछ भी वहाँ पे ये साल्ट रहेगा तो उसके फिर
उसके हिसाब से बदल जाएंगे, तो साल्ट तो बहुत तरीके से हो सकते हैं। तो ये यूजली पोरस इन नेचर होता है, तो वहाँ पे देख के और हल्का सा येल्लोइश दिखेगा आपको ये, मतलब कि भीगा नमक से समझ लीजिए वैसा दिखता है ये, और थोड़ा सा पीला कलर का होता है। तो कई बार कलर देख के पहचान में आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर नहीं आई तो आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आपने अंदाज़ा लगा लगे अच्छा यही है, तो आपको फिर प्राइमरी टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट करने में आसानी होती है। तो वो एक्सपीरियंस चीज़ें आती हैं, अगर आपने लैब में गए होंगे और किए होंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होगी। उसी तरह मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है ऐसे, एम दिया रहेगा कि आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ के एम ऑन फोर बाय यूजिंग पॉइंट वन नॉर्मलिटी ऑफ मोहर साल्ट। ये मोहर साल्ट वाला जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोहर साल्ट वाला एग्जांपल आता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए आपका एम दिया रहेगा, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे मोहर साल्ट वाला, के एम ओ फोर का हमें स्ट्रेंथ निकालता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपको नॉर्मलिटी जनरली निकालनी, तो नॉर्मलिटी निकालनी है के एम ओ फोर की मोहर साल्ट का, ये एम दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है ना कि आपको एम के बाद आपको लिखना होता है अपरेटस रिक्वायर्ड। अपरेटस क्या है, मटेरियल क्या चाहिए आपको इसको करने के लिए, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है। इसके बाद आपको अगर इसमें थ्योरी लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे ऑब्जर्वेशन टेबल पर जा सकते हैं, फिर कैलकुलेशन और फिर रिजल्ट। ये वही चीज़ है, इससे लिखने का तरीका है आपको। ये पॉइंट जो है या तो उसमें लिस्टेड होंगे, नहीं लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे। वैसे वो लिखा रहेगा कि एम दिया रहेगा, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है। तो एपरेटस क्या है, इसमें ब्यूरेट की ज़रूरत पड़ती है, कोनिकल फ्लास्क की ज़रूरत पड़ती है। कोनिकल फ्लास्क को क्या, कोनिकल मतलब कि परख नली जो होती है, कोनिकल वाली, कोने कोना बना हुआ, उसमें ब्यूरेट जिसमें आपने आपको वो जो लिक्विड दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है मोहर साल्ट, उसको आपको भरना है, तो वो ब्यूरेट होता है। इसके बाद से आपको अगर ज़रूरत पड़े तो पिपेट की ज़रूरत पड़ती है, तो पिपेट लिख देंगे। ये आपको अपरेटस चाहिए, अपरेटस रिक्वायर्ड हो गया तो आपको लिख देंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड तो आपको जो सोल्यूशन है वो चाहिए, तो सोल्यूशन आप लिख देंगे। मोहर साल्ट आपको चाहिए, मोहर साल्ट का सोल्यूशन, तो वो लिख देंगे। और इसके अलावा मटेरियल रिक्वायर्ड में एक इंडिकेटर होता है जो कि वहाँ पर रहेगा। इंडिकेटर, इंडिकेटर वो होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपने ब्यूरेट में आपने ये भरा और कोनिकल फ्लास्क में आपने ये केमनोफोर ले लिया अननोन, और उसमें क्या करते हैं ना कि ब्यूरेट को खोल के उसमें वन बाय वन टिप बाय टिप उसमें पोर करते हैं इसको, नोन वाले को अननोन में, और मिक्स करते हैं और देखते हैं कि, और उससे पहले ना ब्यूरेट में आपको इंडिकेटर मिला देना होता है। इंडिकेटर आप मिला देंगे कोनिकल फ्लास्क में, और जब आप चेंज करेंगे, एक दो बूंद पड़ता है इंडिकेटर, जब आप उसको मिलाते रहेंगे और ये ऊपर से ब्यूरेट से ये जो है पॉइंट वन नॉर्मलिटी का जो मोहर साल्ट है वो आता रहेगा, मोहर सोल्यूशन होगा, वो मोहर साल्ट का सोल्यूशन होगा, तो वो आता रहेगा। तो आप जहाँ देखेंगे कि जहाँ कलर चेंज हो रहा है वो उसका इंड पॉइंट कहलाता है, तो वहाँ पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, इतना जो है वैल्यू हमें के एम ओ फोर का चाहिए। उस ब्यूरेट से जितना लिक्विड नीचे आया उससे हमें पता चल गया कि कितना हमें के एम ओ फोर चाहिए। के एम ओ फोर को उसमें भरेंगे, पॉइंट वन मोहर साल्ट को कोनिकल फ्लास्क में लेंगे और मिक्स करेंगे इंडिकेटर डाल के, कितना वैल्यूम आया के एम ओ फोर का उससे हमें पता चलेगा, वैल्यूम पता चल गया। तो आप ऑब्जर्वेशन टेबल में ना ऐसे लिस्ट बना लेंगे कि सीरियल नंबर 1, 2, 3 कितना वैल्यूम किसका आया, और इनिशियली किसका, इसका वैल्यूम कितना आपने लिया, V1 V2 हो गया, तो ये V1 V2 पता चल गया। उसके बाद से आप देखते हैं कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। जो वैल्यू रिपीट होती है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10, यहाँ पे ये 10 आपने लिया था, 10 ml लिया था, और ये चेंज हो रहा है, तो ये मान लीजिए 20 मिला, दूसरी पर 21 मिला, तीसरी पर 20 मिला, ये 10 ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो जो चीज़ जो रिपीट होती है वो वाली वैल्यू हम लोग वैल्यूम के ले लेते हैं। ये हो गया V1, ये हो गया V2, इसका नॉर्मलिटी N2 दिया हुआ है, और आपको N1 निकालना है यहाँ से, तो आप ये वाला फार्मूला N1 V1 = N2 V2 ये कैलकुलेशन वाले पार्ट पर लिखेंगे, इसकी मदद से आप N1 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और उसके बाद से आप रिजल्ट में यही N1 की वैल्यू कितनी आ रही है वो लिख देंगे कि यहाँ पे इतनी, मान लीजिए इतना आया तो इतना
इतनी नॉर्मेलिटी आई। ऐसे आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो भी आपके बुक में है, उसमें मैंने एक बता दिया इंपॉर्टेंट है मोर साल्ट वाला, ये आप पढ़ के जाएंगे। इसी तरह के जो है प्रैक्टिकल जो है एग्ज़ाम में आते हैं, कोई और दिया रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ और दिया रहेगा, क्या ही मतलब है? आपको बस ब्यूरेट में भरना है, इसको लेना है एक मेजर करके पीपेट से खींच के 10 ml, उसमें इंडिकेटर मिलाना है, मिक्स करना है, जहाँ कलर चेंज आए उससे वैल्यू मेजर कर लेना है, और ये फार्मूला लगाना है, आंसर पाना है। सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है अगर कंपेयर करने का साल्ट एनालिसिस से तो ईजी पड़ता है करने के लिए। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट जो पार्ट थे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के मैंने बताए, जो कि स्किल टेस्ट के लिए आपको जरूरी है प्लांट अपरेटर लेवेशन के लिए, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। आपका स्किल टेस्ट जो है मतलब इस एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको इससे मदद मिलेगी। और ये जो है ना क्वालिफाई नेचर होता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्वालिफाई नेचर होता है मतलब अगर आप वहाँ पर पहुँच गए तो आपको क्वालिफाई हो ही जाएंगे, ये मान के चलिए आप। लेकिन आप जो है कॉपी जो है अच्छे से लिखेंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ठीक है, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है और जो रिजल्ट तक पार्ट है वो आप अच्छे से लिख के आएंगे, ताकि क्योंकि नंबर जो है उसी पे मिलने हैं आपको। तो ये क्वालिफाइंग नेचर होता है स्किल टेस्ट, इस पर ज़्यादा जोर मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके जो प्रैक्टिकल है 11th 12th उसको पढ़िए और अच्छे से दीजिए। टॉपिक मैंने एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट थे वो बता ही दिए, तो ये सिंपल है। तो आज के वीडियो इतना ही है, अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ही आपका पता ही है। धन्यवाद।